नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मुख्य तौर पर बात करेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित टॉपिक पर। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ओबीसी आरक्षण। वर्तमान में जितनी भी मध्य प्रदेश में भर्तियां हो रही हैं, इन सभी भर्तियों में 27 और 13 के फॉर्मेट बनाकर भर्तियां की जा रही है। इसी से संबंधित माननीय हाईकोर्ट में यह सुनवाई की गई। यह सुनवाई एमपी पीएससी से संबंधित थी, जिसमें माननीय देवनारायण मिश्रा और माननीय राजमोहन सिंह की खंडपीठ में यह आदेश सुनाया गया, जिसमें आदेश सुनाते हुए सरकार पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही कहा गया कि जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, इनमें माननीय हाईकोर्ट का किसी भी तरह का कोई भी प्रारूप नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने यह कहीं भी निर्देश नहीं दिए गए हैं कि 87% पर भर्ती की जाए और 13% आरक्षण को होल्ड रखा जाए। यह जो आपने भर्ती की है, 13% आरक्षण पर होल्ड लगाया गया है, इस पर शीघ्र ही 31 अगस्त तक नियुक्ति आदेश जारी किए जाए और साथ ही साथ माननीय राज्य सरकार को 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार की जो खबर है से सभी विभागों में है, चाहे वह शिक्षा विभाग वर्ग 3 की हो। वर्ग 3 में भी 13% आरक्षण पर होल्ड लगाया गया है, 87% पर ज्वाइनिंग की गई है। इस पर भी स्कूल शिक्षा विभाग को माननीय हाईकोर्ट का से संबंधित आदेश राज्य प्रशासन विभाग का आ चुका है, जिसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 13% जो ओबीसी का आरक्षण होल्ड रखा गया है, उन सभी पदों पर उन्हें शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किए जाए। अब देखने को मिलता है कि कब डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय इस आदेश को फॉलो करती है या डीपीआई पर भी जुर्माना लगाया जाएगा या इनके अधिकारियों की पुनः सुनवाई की जाएगी, क्योंकि जो भी आदेश आता है माननीय हाईकोर्ट महोदय का, यदि उसे सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो उस पर अवमानना याचिका दायर की जाती है, और यदि अवमानना याचिका में माननीय हाईकोर्ट महोदय सख्ती से पेश आते हैं तो इन सभी पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो वर्तमान में ओबीसी आरक्षण से संबंधित यह महत्वपूर्ण खबर थी। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी शिक्षा विभाग से संबंधित अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय माता दी।